नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। मुद्दे की बात यह है कि इसकी वजह से पूरे देश में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार निजी लैबोरेटरीज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की खोजबीन कर रही है। NICD ने बताया है कि इस नए कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम है B.1.1.529। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने NGSSA के सदस्य, सरकारी प्रयोगशाला और निजी प्रयोगशाला को तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दे चुके हैं। भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों ने मान्यता दे दी है। ये देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, निकारागुआ, फिलिस्तान, फिलीपींस, सैन मरीनो, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन। राजधानी दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। DMRC ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर की पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन गुरुवार से शुरू हो गया है। इसके साथ ही DMRC का ड्राइवरलेस ऑपरेशन का कुल एरिया 97 किलोमीटर हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला है। टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आपके यहां का बेलगाम सांड आपने खुला छोड़ दिया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले चीन की हेकड़ी अब जल्द ही गुम होने वाली है। शुक्रवार को भारत की मेजबानी में 3 देश के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री शामिल होंगे। संभावना जाहिर की जा रही है कि वर्चुअल तरीके से शुक्रवार को आयोजित होने वाली 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री रूस और चीन के अपने समकक्षों के सामने सीमा विवाद के मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को मिली धमकी वाला मेल पाकिस्तान के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जिसकी पहचान शाहिद हामिद के रूप में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अब इसका पता लगा लिया है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मिले कथित भरे मेल के बारे में गूगल से IP एड्रेस जैसी जानकारी मांगी थी। सांसद गौतम गंभीर समेत कुछ और लोगों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर धमकी भरा मेल मिला था। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक और NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के बीच वार पलटवार का खेल थम नहीं रहा है। गुरुवार को मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े और उनके परिवार ने उनकी मां की 2015 में उनके गुजर जाने के बाद 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। एक प्रमाण पत्र में उनकी मां को हिंदू तो दूसरे में मुस्लिम बताया गया। IRCTC ने श्रद्धालुओं को तोहफा देते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह श्रद्धालुओं को पूरे उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। इंडियन रेलवे के मुताबिक 9 दिनों की यह यात्रा 12 दिसंबर से रांची से शुरू होकर 20 दिसंबर को खत्म होगी। ये यात्रा रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह होते हुए बिहार के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के 5 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ जलभराव के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि रामनाथपुरम, थुथुकुड़ी, तिरुनेलवली, पडुकोट्टई, नागपट्टिनम जिले गंभीर बारिश का सामना कर रहे हैं। सड़क के रेल मार्ग पानी में डूब गए हैं। देशभर में उग्रवादी संगठनों और बड़े अपराधियों को बंदूक और गोलियां सप्लाई करने वाले की पहुंच देश के अर्धसैनिक बलों के भीतर तक है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा देश के 6 राज्यों में की गई छापेमारी के दौरान इसका खुलासा हुआ है। ATS की इस कार्रवाई में एक दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापे मारकर आम सप्लाई चेन से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत में एक दिन में COVID-19 के 10,549 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,55,431 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,10,133 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 488 और लोगों की संक्रमण के कारण जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,67,468 हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों ने आज यानी शुक्रवार को लगातार 22वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं करके देश के लाखों उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। दिवाली के समय में केंद्र सरकार ने बढ़ती तेल की कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने का ऐलान किया था। इससे पहले सरकार ने इन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने सभी प्रीपेड प्लान के टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। उसी के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने टैरिफ प्लान को महंगा कर दिया है। हालांकि वोडाफोन का बढ़ा हुआ टैरिफ अब पूरे देश में लाइव और उपलब्ध है। एयरटेल ने आज से अपने डेटा एड ऑन प्लान को लाइव कर दिया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है।
ताइवान और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका के 5 सांसद गुरुवार को अचानक ताइवान की यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह सांसद वहां वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी अमेरिकी दूतावास के अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान द्वारा दी गई है। हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने के नाम कोटेड यूरिया प्लांट के उद्घाटन 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकार्पण से पहले केंद्र सरकार में सचिव उर्वरक राजेश कुमार चतुर्वेदी ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं 30 नवम्बर को प्लांट को चलाकर ट्रायल भी होगा। कोविड-19 का संक्रमण कम होते हुए रेलवे बोर्ड अब उन सभी सुविधाओं को बहाल करने की तैयारी कर रही है ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो सके। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों में केटरिंग सुविधा के तहत पका हुआ भोजन परोसने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में टाटा से चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली 08189990 एर्नाकुलम एक्सप्रेस में यात्रियों को केटरिंग की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल पर खुशखबरी दे सकती है, जिसके तहत केंद्र सरकार एक बार फिर से एक और भत्ते को बढ़ाने की बात कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा जनवरी महीने में मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं और उसना मिल मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर तारीख और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। आज देश भर में 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है। हालांकि मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून को वापस तो ले लिया है और किसानों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन खत्म करें और अपने अपने घर लौटे, लेकिन किसान ने अभी भी अपना आंदोलन जारी रखा है और इसी के 1 साल पूरे होने पर आज दिल्ली की सीमा पर एकजुट हुए और इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था और इसी वजह से दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एयर इंडिया दिसंबर तक पूरी तरह टाटा सन्स की हो जाएगी। सरकार अपने स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रही है। शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। प्री ओपनिंग में 860 से अधिक लुढ़कने के बाद सुबह 9:40 बीएसई में 743 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ये 58063 के स्तर पर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 214 अंकों की गिरावट के साथ 17322 पर ट्रेडिंग हुई। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारकों को हर महीने 2 बार राशन निःशुल्क दिया जाएगा। सरकार ने राशन की डबल डोज देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार ने भी PMJKAY के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को मार्च तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। नीति आयोग की तरफ से जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक बिहार के 5 जिले में 60 से ज्यादा लोग अमीर है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां गरीबों की तादाद 60% से ज्यादा है। इसके साथ ही बिहार का किशनगंज जिला सबसे ज्यादा गरीब है। इस जिले में 64.75% लोग गरीब हैं, जबकि अररिया में यह आंकड़ा 64.65% है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में अपनी बल्लेबाजी आने से पहले ही भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने एक बड़ा रिकॉर्ड नाम कर लिया है। साहा 1946 के बाद से भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज विकेटकीपर बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि दत्ताराम हिंदलेकर के नाम थी। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 के लिए हार्दिक पांड्या को शायद ही रिटेन करेगी, साथ ही उनके बड़े भाई कृणाल भी रिटेन नहीं होंगे। दोनों ही भाइयों ने गेंद और बल्ले से मुंबई को कई मैच जिताए हैं, लेकिन अब इस फ्रेंचाइजी ने इसका रास्ता अलग होने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट की माने तो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद में खेलते नजर आ सकते हैं। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कार्यक्रम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, किसी पीएम का भी नहीं था, यह कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा थी। यहां बता दें कि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया था। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 तक आहूत किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 हमले की बरसी पर पीड़ितों सुरक्षाकर्मियों को याद किया है। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमें उन बहादुर जवानों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मुकाबला किया और अपना जीवन खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 2 दिवसीय कानपुर यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के ब्यौरे वाले एक दस्तावेज के लीक होने के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा बेड़ा राष्ट्रपति कोविंद द्वारा भाग लेने वाले स्थानों पर बलों की तैनाती अन्य प्रोटोकॉल के विवरण के साथ दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित किया गया था, लेकिन यह सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विस्तार में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता अपनी पार्टी को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, जिसके तहत वो जल्द ही उद्धव और पवार से मिलने वाली है। साथ ही वो जल्द ही राजस्थान भी जाने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नन्नू कुमार, रंजीत यादव, कृष्णा दुबे, जितेंद्र ठाकुर, सुगीबल कलाकट, विंद कुमार यादव, संतोष मध्यपुरा, इंडियन दिमाग, भोला चौधरी, राजकुमार, रविन्द्र कुमार, नुरुल हुदा, भोला चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा हालात में पीएम मोदी का विकल्प देश में कौन है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।